जेल। जेल शब्द अगर किसी व्यक्ति के चरित्र से जुड़ जाए तो उसकी गरिमा पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन क्या किसी व्यक्ति के जेल जाने के बाद उसे घृणा या संदेह की निगाह से देखा जाना सही है? दोस्तों, जेल जाने के बहुत से कारण हो सकते हैं और कभी कभी उद्देश्य भी। माना कि दुराचारी, भ्रष्टाचारी, दुष्कर्मी जेल जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों से घृणा करना या उनकी बेगुनाही पर संदेह करना स्वाभाविक है। लेकिन जरूरी नहीं कि जेल जाने वाला हर व्यक्ति कुकर्मी, चोर या बदमाश हो। कुछ लोग परमार्थ और समाज सुधार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी जेल जैसी प्रताड़नाएं स्वीकार करते हैं। जहां एक तरफ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे देश प्रेमी हंसते हंसते वहां से चढ़ गए, तो वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रपिता भी जेल का कष्ट सहकर परमार्थ में जेल जाने की मिसाल कायम कर गए। श्री कृष्ण जी का तो जन्म ही जेल में हुआ था, लेकिन फिर भी इंसान आज उन्हें भगवान मानकर पूछता है। ईसा मसीह जी ने सत्य कहा तो जनता ने उन्हें शूली पर टांग दिया और अब वर्तमान में उन्हें गॉड कहकर संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी को भी उस समय बाबर की जेल में रखा गया। दोस्तों, 15वीं शताब्दी में पोलैंड देश के निकोलस ने शोध में पता लगाया कि धरती घूमती है, लेकिन इसी जनता ने निकोलस को झूठा बताकर उसे फांसी पर चढ़वा दिया। लेकिन कुछ समय पश्चात जब यह बात सच साबित हुई तो इतिहास के पन्नों पर आज भी निकोलस का नाम सुनहरे शब्दों में दर्ज है। वास्तविकता तो यह है कि जब कभी भी किसी महापुरुष ने जनहित में किसी सत्य को उजागर करके जनमानस को सच का आईना दिखाना चाहा, तो उसी जनता के द्वारा उन महापुरुषों को प्रताड़ित ही किया गया। ठीक इसी तरह वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज भी एक महापुरुष की भूमिका निभा रहे हैं और सभी को एक नई चेतना प्रदान करके अध्यात्म ज्ञान के गुण रहस्य को उजागर कर समाज को बहुमूल्य सत्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन भोली जनता के द्वारा इतिहास में की गई भूल को फिर से दोहराया जा रहा है और उनके इस परोपकार के कार्य में सहयोग के बजाय आलोचना शुरू कर दी। संत रामपाल जी महाराज का गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने जनहित में अपना समूल अस्तित्व नछावर कर जनता की भलाई की सोचे। उन्होंने घर परिवार में सक्षम होते हुए भी समाज को अपना संपूर्ण जीवन सौंप दिया और इस परोपकार के कार्य में समय अभाव के चलते इंजीनियर की नौकरी को भी त्याग कर मानव समाज को दुखों के चंगुल से छुड़ाने और घर घर तक सद्भक्ति का संदेश पहुँचाने की ठान ली। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी ने वह सतभक्ति जनता को बताई जो अनादि काल में किसी भी ऋषि, मुनि, संत महंतों को समझ में नहीं आई और ना ही इस रहस्य को समझने या समझाने में वह सक्षम रहे, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य नकली धर्मगुरुओं की अज्ञानता की सच्चाई समाज के सामने आने लगी, जिसे बुखला कर वो सब संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ साजिश रचने लगे। संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथों जैसे वेद, शास्त्र, कुरान शरीफ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल आदि का गहनता से अध्ययन किया और यह पता लगाया कि आखिरकार असली सद्भक्ति विधि और मंत्र क्या है, जिससे मनुष्य सुखी भी होंगे और पूर्ण मोक्ष पाकर जन्म मरण के भयंकर रोग से पूर्णतः छुटकारा पा सकेंगे। यह रहस्य संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त कोई नहीं जानता, जिस कारण वर्तमान के नकली संत, महंत, कथाकार, अज्ञानी धर्मगुरु, शंकराचार्य और अध्यात्म के नकली ठेकेदारों को अपना पतन प्रत्यक्ष दिखने लगा। अपने धर्म की झूठी दुकानें बंद होते देख इन ज्ञानहीन संतों ने संत रामपाल जी महाराज जी की आवाज को पूरी तरह दबाने का भरसक प्रयास किया और जिसका परिणाम आज आपके सामने है। सतगुरु पृथ्वी पर संघर्ष करके समाज को सत ज्ञान से अवगत करवाने के लिए आते हैं और समाज उनको गालियां देते हैं, उनको जेल में डालते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमारा आप सभी से अनुरोध है कि जो गलतियां हम पहले से करते आ रहे हैं उन्हें फिर से ना दोहराएं, एक सभ्य और शिक्षित व्यक्ति होने का परिचय दें। आप जी एक बार, सिर्फ एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जरूर सुनकर देखें। हम दावा करते हैं आप अवश्य अपने दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। धन्यवाद।